दोस्तों मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। बताते हैं आपको पूरी बात, तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना रायपुर के मैदान पर। शुरुआती ओवर ही रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का मोहम्मद शमी को दिया और आते ही उन्होंने फिन एलन को इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद रखी और वो हो गए क्लीन बोल्ड। जिसके चलते पहले ओवर की पांचवी गेंद पर मोहम्मद शमी ने सफलता दिलाई फिन एलन को मात्र शून्य रन पर आउट कर। दोस्तों उसके बाद अपना दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, आते ही उन्होंने इस तरीके से डैरिल मिचेल को सामने गेंद रखी, उन्होंने भी अपनी गेंद का हल्का सा एज दे दिया और शमी ने यह काम खुद ही किया। इस तरीके से झुककर उन्होंने कैच लपक ली, जिसके चलते कैच ऑन बोल्ड किया शमी ने डैरिल मिचेल को, जिसके चलते शमी के दूसरे शिकार बने। दोस्तों उसके बाद अपना चौथा ओवर लेकर आए शमी, तभी सेट बल्लेबाज ब्रेसवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, इसीलिए मोहम्मद शमी ने चतुराई दिखाते हुए शॉर्ट गेंद रखी कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं। बाहर जाती हुई गेंद थी, बल्ले का एज बैठे पिछले मुकाबले के शतकीय बल्लेबाज ब्रेसवेल और पीजे जान की सर ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली। तीन बड़े विकेट निकाले मोहम्मद शमी ने। दोस्तों छह ओवर डालकर एक मेडन दिया मोहम्मद शमी ने, 18 रन दिए और तीन बड़े विकेट निकाले। दोस्तों आप मोहम्मद शमी की इस ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं।